दोस्तों वेलकम टू अज़र यूसुफ चैनल। फाइनली हमने पेट्रोल भर लिया है। पेट्रोल पंप ढूंढने के लिए 15 किलोमीटर लग गए और फाइनली वो एक टेंशन कम हुआ जब पेट्रोल पंप मिला। फिलहाल हम है मुंबई से माथेरान का ट्रैवल कर रहे हैं और फिलहाल हम है बदलापुर कटाई रोड पे। यहाँ पे नयारा नाम का पेट्रोल पंप था, फाइनली मिला। मैं 15 किलोमीटर से ढूंढ रहा था और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आ रहा है जितना मुझे मज़ा आ रहा है। रास्ता बहुत अच्छा है, संडे का दिन है, 8th ऑफ अगस्त। एक घंटे से मैं बाइक चला रहा हूँ और हमने सिर्फ 30 किलोमीटर्स का ट्रैवल कंप्लीट किया है। अभी और 40 किलोमीटर्स का बाकी है, सिर्फ 30 किलोमीटर्स। क्योंकि दोस्तों पहले मोटो व्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। जब मैं शुरू किया था तब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। अभी जैसे जैसे नर्व सेटल हो रहे तो थोड़ा मैं रास्ते पर भी कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ। मैं खुद को बहुत अच्छे से जानता हूँ और उस हिसाब से गाड़ी चला रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है। एक तो मैं बात करते करते गाड़ी चला रहा हूँ, प्लस मेरा कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं मेरे माइक पे, मेरे कैमरे पे, हर चीज़ पे है। खुद की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कभी भी जान से मत खेलो। क्योंकि जान है तभी तो हम ये रास्ता और हर वो चीज़ जो इस दुनिया में है वो इन्जॉय कर पाएंगे ना। तो इसीलिए खुद को समझो और सेफ़ खेलो। और मैंने भी सेफ़ खेला, 30 किलोमीटर तो 30 किलोमीटर, थोड़ा लेट पहुंचेंगे वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पहुंचना ज़रूरी है। अभी तक तो मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिला और अभी तक मुझे मौसम भी बहुत अच्छा मिला है। बारिश जैसा मौसम है लेकिन बारिश हुई नहीं है, बस ऐसा ही मौसम चाहिए था और ऐसा ही मौसम मुझे मिला है। अभी तक मौसम ने तो इतना अच्छे से साथ दिया है। यहाँ पर डीमार्ट, एक तो डीमार्ट मेरे को याद है लॉकडाउन के टाइम पे हमारे आसपास का डीमार्ट तो ऐसा जैसे लाइन लगी रहती थी वहाँ पे, ऐसा लगता था कि वहाँ पे वो फ्री में बांट रहा है सब कुछ, इतनी लंबी लंबी लाइन लगती थी। अब नर्वसनेस ऑलमोस्ट चला गया है, अब मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, रास्ते पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, अपनी राइडिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। और इसीलिए अब थोड़ी स्पीड भी मैं बढ़ा सकता हूँ, वरना 30, 40 के स्पीड से ही मैं चल रहा था। और 3.6 किलोमीटर हमको ये रास्ते पे रहना है, 33 किलोमीटर। एकदम क्लियर है रास्ता, एकदम क्लियर है। बदलापुर कटाई रोड के बाद रास्ता और स्ट्रेट ही था। अभी हम फिलहाल है नेरल बदलापुर रोड पे और रास्ता एकदम स्ट्रेट है। अभी भी और 6 किलोमीटर स्ट्रेट ही जाना है, उसके बाद राइट मारना है। नेवल मटेरियल रिसर्च लैब, यहाँ पे ऐसी जगहों पे बहुत सारे गोडाउन या बहुत सारी कंपनीज रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली रेजिडेंशियल एरिया नहीं है और रेजिडेंशियल एरिया नहीं है मतलब जगह सस्ती मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन यहाँ पे बीच बीच में, जैसे अभी हमने अंबरनाथ क्रॉस किया, तो जब हम अंबरनाथ पे थे ना तब वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया था। यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया आ रहा है और फिर ऐसा रास्ता आ जा रहा है जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, और फिर अभी मुझे देखो रेजिडेंशियल एरिया आते हुए दिख रहा है। तो ऐसा कम्प्लीटली नॉन रेजिडेंशियल एरिया नहीं है। और रास्ते की बात करूँ तो रास्ते बीच बीच में खड्डे हैं लेकिन काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छा है। अभी तक का रास्ता तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। ये देखो, बस बोलना ही था कि बहुत बड़ा खड्डा आया। हाँ, ऐसे बीच बीच में खड्डे हैं, ये पहला खड्डा नहीं था। ऐसे बीच बीच में मैंने नोटिस किए कि बीच बीच में ऐसे खड्डे थे, तो तुम सिर्फ आग बंद करके सलंग चला नहीं सकते हो, कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है रास्ते पे, क्योंकि खड्डा कभी भी आ सकता है। और स्पीड ब्रेकर भी 2-3 मुझे ऐसे महसूस हुए कि मतलब वो थोड़े विजिबिलिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी उन स्पीड ब्रेकर्स की। अब वो मैं नर्वस था इसलिए या पता नहीं, पर मुझे इतना विजिबल नहीं लगा। बहुत नज़दीक आ गया उसके बाद समझ में आया कि भाई ये तो स्पीड ब्रेकर है। अभी भी हमको स्ट्रेट ही जाना है। ये वायर तो लटक रहा है यार यहाँ से, ये माइक का वायर इतना लंबा है कि माइक को तो मैंने स्मार्टली अटैच कर लिया है लेकिन ये वायर थोड़ा सा मुझको सता रहा है। देखो अभी फिर से आया रेजिडेंशियल एरिया और यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज और सोसाइटी
यहाँ पे तो पार्किंग भी है यार, हमारे एरिया में तो पार्किंग भी नहीं है, यहाँ पे तो पार्किंग भी है और घर भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए। एक टाइम पे ये सिर्फ जंगल था, धीरे धीरे जंगल बना रेसिडेंशियल एरिया। यहाँ पे है नाकाबंदी, माथेरान 29 किलोमीटर और नेरल 20 किलोमीटर। जब मैं लोनावला जा रहा था ना, तो मुझे बहुत सारी सुपर बाइक्स दिखी थी। अभी यहाँ पे माथेरान के रास्ते में मुझे इतनी ज़्यादा सुपर बाइक्स नहीं मिली, थी सुपर बाइक्स राइडर्स की बहुत सारी गैंग, क्योंकि संडे अगर कभी भी तुम ट्रैवल कर रहे हो ना कहीं पे, तो तुमको बाइक की गैंग मिलेगी। तो वहाँ से वो सामने के रास्ते से जाती हुई मुझे एक गैंग तो दिखी, लेकिन ऐसी कोई खास ज़्यादा सुपर बाइक्स नहीं दिखी। और ये मैं माथेरान आई थिंक थर्ड टाइम आ रहा हूँ और यहाँ पे इतनी सुपर बाइक्स नहीं दिखती है। लेकिन आप कभी लोनावला के रास्ते पे जाओ ना, और आप पनवेल क्रॉस करो, और वहाँ पे जो नेशनल हाईवे आता है उसका रास्ता भी बहुत अच्छा है, और वहाँ पे बहुत सारी सुपर बाइक्स मिलती है। अगर आप संडे के दिन जाओ तो आप सुपर बाइक्स देखते देखते थक जाओगे। और ऐसी ऐसी सुपर बाइक्स ही वहाँ पे तो जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी। हम अगले महीने जाएंगे तब देखेंगे, संडे को ही मैं स्टार्ट करूँगा अपना ट्रैवल, कि इफ़ पॉसिबल मैं आपको जितनी हो सके रास्ता भी बता पाऊँ और सुपर बाइक्स भी बता पाऊँ। ऐसी जुप करके निकल जाती है। अभी भी हमको स्ट्रेट ही चलना है। देखो, कुछ टाइम पहले एकदम नॉन रेसिडेंशियल एरिया था, अभी एकदम से रेसिडेंशियल एरिया आ गया। तो ये रास्ते पे ऐसे ही है, मुंबई टू माथेरान का रास्ता आपको खूबसूरत बहुत है। बीच बीच में आपको नॉन रेसिडेंशियल एरिया मिलेगा, तो नॉन रेसिडेंशियल एरिया का पैच आपको किलोमीटर्स में मिलेगा, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। उसके बाद रेसिडेंशियल एरिया आएगा, उसके बाद फिर से नॉन रेसिडेंशियल एरिया का पैच आएगा, जहाँ पे सिर्फ झाड़ सिर्फ ग्रीनरी दिखेगी आपको, और फिर से आपको रेसिडेंशियल एरिया आएगा। तो ऐसा चलता ही रहेगा। अभी हम है बदलापुर में, बदलापुर ईस्ट में है अभी अपन। बदलापुर में बहुत टाइम पहले एक बार आया था, मुझे मालूम है जब मैं ग्रेजुएशन में था अपनी एसके सोमैया कॉलेज में था, तो मेरा एक दोस्त यहाँ पे रहता था, और वो बदलापुर से विद्याविहार, जिसको नहीं मालूम है आई थिंक ये ट्रेन से वन वे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ 90 मिनट्स का ट्रैवल है, या शायद उससे भी ज़्यादा, वन वे उतना ट्रैवल करके कॉलेज आना बहुत बड़ी बात है यार, बहुत एफर्ट लगता है। और ये मुंबई की ट्रेन्स में जो ट्रैवल करता है वो जानता है कि सिर्फ 90 मिनट्स की बात नहीं है, उन 90 मिनट्स में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। चलिए अपन तो अपने रास्ते पे कंसंट्रेट करते हैं। अभी तो पूरी तरह से रेसिडेंशियल एरिया आ गया है, लेकिन रास्ता अभी भी डिसेंट है, रास्ता बिगड़ा नहीं है, और वो सबसे अच्छी बात है। हल्की हल्की बारिश आ रही है दोस्तों, यहाँ पे कहीं पे अभी मुझे शेड मिला, वरना अगर यहाँ पे शायद बारिश आ गई ना तो मेरा थोड़ा बचना मुश्किल हो जाएगा, मुझे शेड ढूंढना ही पड़ेगा। हल्की हल्की बारिश हो रही है, अगर ये बारिश बढ़ गई तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। बारिश बढ़ रही है, बारिश तो बढ़ रही है, मौसम ने अभी तक साथ दिया है यार, सिर्फ आधा घंटा और है, सिर्फ आधा घंटा और निकल जाए। सेवन थर्टी थ्री हमने शुरू किया था 6 बजे, डेढ़ घंटे में हमने कवर किया है 46 किलोमीटर के आसपास, अभी आई थिंक 20 किलोमीटर और बढ़ा है बचा है। ओहो, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी हो गई, लेकिन दोस्तों ये पैचेस है, लेकिन बीच बीच में थोड़े थोड़े ही है, ऐसा बहुत ज़्यादा बड़े ऑफ रोडिंग पैचेस नहीं है यहाँ पे। तो ये एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, और वो भी शायद इसलिए भी क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया भी है। तो इतने यार ये बारिश बढ़ रही है, और बारिश के साथ थोड़ा मेरा टेंशन भी बढ़ रहा है, मौसम ने अब तक साथ दिया है। 30 मिनट और, ओ अल्लाह हेल्प, बारिश तो हो रही है, अब तक इतनी हो रही है कि मैं सहन कर सकूं और मेरा गोप्रो सहन कर सके। याद रखिए, मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप में
गोप्रो वाटरप्रूफ नहीं रहता है, ना गोप्रो ना एडेप्टर। बारिश बढ़ रही है यार, और 20 किलोमीटर दूर है हम। अगर आपको सामने दिख रहा है ना, तो सामने क्या मौसम बना हुआ है, एकदम गहरे काले बादल है, गहरे काले बादल। बारिश अब उस लेवल पे जा रही है कि हमको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे शेड नहीं है, शिट। रास्ता आपको दिखा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और अभी गोप्रो का कैमरा मुझे बंद करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। सबसे पहले गोप्रो को बचाना पड़ेगा क्योंकि बारिश अभी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे इस शेड में मुझे फाइनली रुकना पड़ा है और फिलहाल मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ। वो मेरी गाड़ी है और यहाँ पे अटका हुआ हूँ इस लोकेशन पे। आगे का सफ़र मैं आपको बता पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर अभी यहाँ से 20 किलोमीटर माथेरान और दूर है। और अगर कुछ नहीं तो मुझे वो आखिरी 6 किलोमीटर आपको बताना है, क्योंकि वो जो आखिरी 6 किलोमीटर है ना, जो माथेरान का घाट है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो भी अगर आपको बता दूँ ना तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। बाकी तो बारिश इतनी हो रही है कि मुझे अपना कैमरा बंद करना पड़े। एकदम ज़्यादा भी नहीं है लेकिन इतनी है कि अब कैमरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाटरप्रूफ भी नहीं है। तो चलो दोस्तों, आगे का पता नहीं बता पाऊँगा या नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मौसम अगर आपको दिख रहा है ना तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ से आपको रास्ता बताऊँ या नहीं बताऊँ, एक चीज़ तो पक्की है कि हम जब माथेरान जाएंगे और आपको जो माथेरान मैं बताऊँगा ना, आई थिंक ये मौसम में, ये मॉनसून लेवल का, मॉनसून का सीज़न का पीक है, इस लेवल पे आपको माथेरान एक अलग खूबसूरत लगेगा। हम ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं, तो मेरे साथ रहना, बने रहना। देखो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा सा फफला भी रहा हूँ, मैं फिर से नर्वस हो गया थोड़ा सा, क्योंकि आगे का रास्ता मुझे नहीं पता कि मैं आपको बता पाऊँगा या नहीं। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल के लिए तो अगर ये मोटो व्लॉगिंग यहाँ पे ख़त्म होनी है, तो मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, माथेरान वाले। और इस बार दोस्तों वो ट्रैक्स हम देखेंगे जो हमने पहले नहीं देखा था 2020 में। बाय।